देश भर के बाइक राइडर इन दिनों कान्हा किसली पहुंच रहे हैं। महंगी बाइक के शौकीन इन बाइक राइडर का लगभग 100 लोगों का समूह देश भर से कान्हा किसली टाइगर रिजर्व पहुंचेगा, जहां इस यात्रा का उद्देश्य टाइगर को सेव करना है। भिलाई के नेहरू नगर से भी बाइक राइडर इस यात्रा में शामिल हुए। कोलकाता से लंबा सफर तय करके बाइक राइडर्स कान्हा किसली जाने के लिए आज नेहरू नगर भिलाई पहुंचे। राइडिंग में देश भर की लग्जरी कार कंपनियों की सबसे महंगी बाइक शामिल है। 24 लाख रुपए तक की महंगी बाइक इस लंबे सफर में राइडिंग का हिस्सा बनी। राइडर्स ने इस यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कुछ इस तरह से जानकारी दी। किस प्रकार की राइड पे आप लोग निकले हुए? अभी हमारा ये राइड जो है ये ओल्ड हॉगवर्ड्स ग्रुप है। ये 100 राइडर्स जो है वो पैन इंडिया इकट्ठा हो रहे हैं कान्हा फॉर द कॉज सेव द टाइगर। ये हमारा ग्रुप जो है उसमें लोग फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स लाइक कश्मीर, देन दिल्ली, गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड कैलकटा, चेन्नई, सब जगह से बाइक राइड करके आ रहे हैं। सारे लोग अपने लाइफ में एक प्रोफेशनल लाइफ लीड करते हैं और ये सब यहाँ से राइड करके, डिफरेंट एरियाज से राइड करके कल इकट्ठा हो रहे हैं कान्हा किसली में। 2 दिन का इवेंट है हमारा सेव द टाइगर कॉज को लेके। ये दिस इज़ जस्ट गिविंग बैक टू द सोसाइटी। हम लोग एक राइडिंग कम्युनिटी है, हम लोग राइड करते हैं अपने प्लेजर के लिए, बट हम साथ में कॉज भी जोड़ते हैं कि वी डेफिनेटली वॉन्ट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। सो वी आर डूइंग सम चैरिटी फॉर द टाइगर फाउंडेशन एट कान्हा ऑल्सो। नमस्कार, हम मैं कलकत्ते से हूँ, मेरा नाम नवीन सहगल है। हम लोग यहाँ कान्हा पे आ रहे हैं। जैसे सब ने कहा कि ब्रदरहुड की एक इवेंट हो रही है और प्लस हम सेव द टाइगर का एक प्रोग्राम कर रहे हैं और हम अपनी बाइक में यहाँ जो आप देख पा रहे हो BMW मैं चलाता हूँ। ये 1200 cc बाइक है, ये हाई पावर बाइक है। इसमें क्या है कि कंफर्टेबल है, अपना लगेज, अपना सब कुछ आप लेकर आप एक वन डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन में आप जा सकते हो, आराम से जा सकते हो, आरामदायक है। और ये सब बाइक चलाने में सेफ्टी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैंने अभी जैकेट पहनी है, इसमें चेस्ट गार्ड है, बैक गार्ड है, एल्बो गार्ड है। इसमें अगर कभी कभी आदमी कोई गिर जाए तो ये जैकेट्स और ये सब आपको प्रोटेक्ट करती है। तो हमारा मैसेज यही है कि आप जहाँ भी जाएँ, आप छोटे बाइक में जाएँ, बड़े बाइक में जाएँ, आप हेलमेट पहने, अपना गार्ड पहने, सो दैट ये आपकी ज़िंदगी और ज़िंदगी एक है, दोबारा नहीं मिलती। तो ये आपको ये सेफ्टी गियर पहन के पहनना ज़रूरी है जो भी मोटरसाइकिल चलाता है। ये हम लोग तो आ रहे कलकत्ता से, हम लोग सब कान्हा पे मिल रहे हैं। ये एक कॉज के लिए किया जा रहा है, सेव द टाइगर कॉज है, बाघ को बचाने का एक कॉज के लिए किया जा रहा है। साथ में ये अवेयरनेस भी फैलाना चाह रहे हैं कि जब बाइक चलाते हैं प्रॉपर राइडिंग गियर पहन के चलाइए, हेलमेट हमेशा पहना कीजिए, पाँव में जूतों पहना कीजिए। तो ये एक ओवरऑल सोशल कॉज के लिए है, राइडिंग के बारे में अवेयरनेस के लिए है, प्लस बाग के बारे में। सर, आए दिन देखने में आ रहा है एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, आप लोग राइड करते हैं, प्रोफेशनल हैं, किस प्रकार से मैसेज देना चाहेंगे? जैसे मैंने कहा कि ये मैसेज हमेशा मैं बोलना चाहूँगा कि हमेशा हेलमेट पहना कीजिए, पैर में जूते पहना कीजिए, वो आपको एक प्रोटेक्शन देते हैं। साथ साथ ट्रैफिक रूल माना कीजिए और सतर्क रहिए। कितना किलोमीटर की यात्रा कुल मिला के आप करेंगे? अभी तक हम लोग 1100 आ चुके हैं, वापस सब कुछ करके 2500 हो जाएगा। तो लगभग 5 दिन से हम लोग ऐसे राइड करेंगे, 5 दिन राइड करेंगे हम लोग सब मिला के, करीबन 100 से ऊपर है। एंड काफ़ी, यानी एक प्रॉपर्टी पहले डिसाइड किया था, अभी 3 प्रॉपर्टी हो गई है, बिकॉज काफ़ी राइडर्स आ रहे हैं सब जगह से। सो 2 दिन का है और अच्छा माहौल होने वाला है वहाँ पर। क्या उद्देश्य मानते हैं इस प्रकार के आयोजन? सो उद्देश्य में बहुत सिंपल है कि जो ग्रुप है हमारा, तो राइडिंग का तो पैशन है ही, बट कोई ना कोई, जैसे नीलाद्री भाई ने बताया कि कोई ना कोई कॉज जुड़ जाता है, इस टाइम से तो टाइगर्स है, तो हर साल कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। और राइडिंग कम्युनिटी ऐसी है कि भाई सब जगह, अलग अलग जगह से लोग आते हैं। ऑल्सो राइड करने का जो जो जज्बा है, तो सेफ्टी भी होना चाहिए साथ में, कैसे कर सकते हैं, यानी सेफ्टी गियर्स पहने हुए उन्होंने भी सेफ्टी गियर्स पहने, तो ज़रूरी है, हेलमेट भी ज़रूरी है।